आपल्याला टॉस करायचाच आहे. यस, ऑन करतात पंच. सामन्याला सुरुवात होते. यस, पहिला चेंडू मात्र इथे आउटसाइड टू ऑफ स्टंप आहे. पंच बलतात आमच्याकडे, अवंतरचा इशारा आलाय आणि अवंतरच्या स्वरूपामध्ये एक धाव. पॉइंट येतोय गोलंदाज. आपण पाहतोय इथे भूषण दामापूरकर, तर दुसऱ्या बाजूला विशाल शेल्के आहे. क्या बात आहे, जबरदस्त फटका आहे आणि इथे मात्र जी सायकल आमची फिरते आहे त्यांना सीट करण्याचा प्रयत्न. साहिल मस्त आलता तुझ्याकडे चेंडू. चला, षटकार टोकलाय बघा फलंदाज विशालने आणि या षटकाराने चौकार आहे, कारण ती सायकल आली होती ना तिकडे. इथे मात्र निर्धाव चेंडू आलाय. निर्धावने मात्र धावसंख्या तिथे थांबली आहे. पाच वरती धावसंख्या आपण पाहतोय. पहिला षटक इथे सुरू आहे. गोलंदाज आपण पाहतोय भूषण धारापूरकर दामापूरकर. क्या बात आहे, जबरदस्त मस्त फटका आहे. चेंडू मात्र सीमारेषा गाठेल. आलाय चौकार. मस्त तीन सायकल आहे तिथे. त्या तीन सायकल मात्र कोणकोणते खेळाडू असतील. पुन्हा एकदा जबरदस्त इथे मात्र आज प्रभावित केलं विशाल शेल्केने. सुंदर अशी फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून राहिली आजच्या रात्रीमध्ये. प्रत्येक सामना निर्णायक पद्धतीने तो खेळलाय. बारक्याचा आज मात्र विचार केला तर बारक्याचा देखील खेळ तसाच राहिलाय आणि इथे मात्र चांगली सुरुवात करून देतोय आजच्या रात्रीमध्ये विशाल शेल्के. धावफलकावरती दबा आहेत, त्या तब्बल 13 दबा. भूषणचा हा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा आउटसाइड टू ऑफ स्टंप आहे. वाईड येतोय. अवंतरच्या स्वरूपामध्ये एक धाव एका धाबेने मात्र धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली आहे ती तब्बल 14 वरती. 14 धाबा धावफलकावरती आपण पाहतोय. थोडीशी नक्कीच गावठाण संघ त्या अनुषंगाने इथे फिल्डिंग करतोय. अजून एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र करण बडवी. जजमेंटनुसार हा झेल मात्र टिपतोय. प्रयत्न चांगले होते फलंदाज विशाल शेल्केचे परंतु इथे मात्र प्रयत्न असफल पाहायला मिळतात. दरम्यान चांगला फटका नक्कीच होता परंतु मिस्टामिक स्ट्रोक झाला. फलंदाज बाद झाला. जजमेंटनुसार झेल देखील टिपला गेलाय आणि इथे मात्र पहिली विकेट आली भूषणच्या खात्यावरती आणि पहिला विकेट मात्र तंबूच्या अष्टी आला. क्या बात आहे, जबरदस्त प्रतिमा संगीत आपल्याला ऐकायला मिळतोय. चौदा धबा धावपलकावरती. इथे मात्र पहिला षटक संपलाय. धावपळकावरती धावा आहेत त्या तब्बल
14 धावा, एक गडी बाद 14. विशाल सिल्क मात्र बाद झालाय. 3 चौकार या षटकामध्ये आपण पाहिले आणि 2 वाईड देखील या षटकामध्ये आपण पाहिले, 1 विकेट देखील या षटकामध्ये पाहिलाय आणि 2 निर्धाव चेंडू देखील पाहिलेत. 1 ओव्हर 14 रन. चला 14 धावा आहेत धावफलकावरती. हो इथे मात्र बारक्या सेल्के आहे ऑन स्ट्राईकला, पण इथे मात्र एक सिंगल आली आहे. किमान गावठाण संघाविरोधात केलेत असताना 4 षटकांमध्ये 45 ते 50 धावा येणं गरजेचं असेल. दुसऱ्या बाजूला आज करण मडवी, आकाश टकले चांगल्या पद्धतीने परफॉर्मन्स इथे देतोय, तर त्या अनुषंगाने मात्र निश्चित कुठेतरी मोठी धावसंख्या उभारणं गरजेचं असेल. 14 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्यात. इथे मात्र क्या बात आहे, जबरदस्त क्रॉस बॅट, चेंडू मात्र सीमारेषा पलीकडे आले, चौकार. चौकाराने मात्र धावसंख्या बघा कशी वेगाने वाढली आहे, तब्बल 19 वरती 19 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. जबरदस्त नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय, आकाश टकले. इथे मात्र हनुमानच्या आजच्या रात्रीमध्ये हनुमानने देखील चांगलं प्रभावित केलंय. मागच्या मॅचमध्ये देखील नावडे संघाविरोधात केलं असताना चांगली धावसंख्या आली होती. इथे मात्र चौकार त्याच्या बॅटमधून लगेचच मात्र निर्धाव चेंडू फेकला गेलाय आकाश टकलेच्या बॅट माध्यमातून. धावस पलकावरती धाबा आहे त्या 19, एक गडी बाद. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना हो जबरदस्त फटका होता, परंतु टायमिंग मिस होतोय, परंतु तेवढं देखणं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळतंय. आदित्य टकलेनं मात्र हा झेल टिपला आणि इथे मात्र हनुमान सेलके मात्र तंबूच्या शी आला. तर नवीन फलंदाज मैदानमध्ये रोहित पाटील, 19 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. आकाश टकलेला मात्र विकेट मिळाली आहे. या षटकामध्ये कमबॅक देण्याचा प्रयत्न तो करतोय. 4 चेंडू आतापर्यंत फेकले गेले, 4 चेंडूमध्ये तब्बल 5 धावा त्याने खर्च केला, एक विकेट त्याने बाद केलाय. जबरदस्त प्रयत्न इथे होत आहेत. रोहित पाटील आलाय, शेवटची मॅच आजच्या रात्रीतील. हो मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र, यस चेंडू गेलाय सीमारेषा पार, आलाय षटकार रोहितच्या बॅटमधून. आल्या आल्या मात्र षटकाराने खातं ओपन करतोय तो रोहित पाटील. षटकाराने मात्र धावसंख्या 25 वरती. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्याच दिशेने, मात्र क्षेत्ररक्षक आला. आता दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न बारक्या शेलके, मात्र 2 धावा इथे हे दोन्ही फलंदाज कंप्लीट करतायत. जबरदस्त रनिंग द बिटवीन विकेट, या 2 धाबेने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती तब्बल 27 वरती, 27 रन्स.
27 धाबा धाव फलकावरती. मध्ये किती धाबा येतील हे देखील पाहणं गरजेचं. आता हाच मनसुबा असेल किमान 20-25 धाबा या षटकामध्ये येणं गरजेचं असेल या अनुषंगाने. मात्र इथे जोया 11 बाबदेव पाली हा संघ प्रयत्न करेल, परंतु बारक्या शेलके ब्रँडेड 6 रन्स आलाय षटकार. षटकाराने मात्र आता धाव संख्या वेगाने वाढली आहे. षटकार आलाय, षटकाराने मात्र इथे धावसंख्या 33. पका आमचे आयोजक जुनी जागे आहेत, आमचे मयूर दादा असतील, दिनेश दादा असतील, फेरफटका मारतात. तसेच आमचे खऱ्या अर्थाने मयूर उलवेकर त्यांचे मयूर दादा क्रिकेटचा आनंद घेतात. खऱ्या अर्थाने स्पर्धा यशेच्या शिखराकडे वाटचाल करतो. हो, इथे मात्र चेंडू थोडासा स्लो आलाय आणि स्लो बॅट फिरवण्याचा प्रयत्न. दोन धाबा कंप्लीट. दोन धाबेने मात्र धाव संख्या जाऊन पोचली आहे ती तब्बल 35 धाबा. इथे मात्र पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. एक धाव पूर्ण होते, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न परंतु नकार दिला. यस, कारण ही चूक मात्र मोठी झाली असती, कारण अजूनही विचार केल्याचे चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, बऱ्याच चेंडू बाकी आहेत आणि त्या अनुषंगाने मात्र इथे थांबणं गरजेचं आहे. कारण दुसऱ्या बाजूला रोहित देखील चांगला प्रयत्न करतोय, त्याच्या बॅटमधून दोन चौकार आपण पाहिलेत, एक षटकार पाहिलेला आहे. इथे मात्र चांगला प्रयत्न आणि चेंडू मात्र जाईल सीमारेषा पलीकडे. आलाय हा चौकार, चौकाराने मात्र धाव संख्या पाहायला मिळते ती तब्बल 40 वरती. 40 धाबा धाव पलकावरती, चांगली धाव संख्या इथे नक्कीच उभी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. उलटा असो थांबण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र काय समाचार घेतलाय, पुढे आलाय आणि फुल टॉस मिळालाय षटकाराने. मात्र धाव संख्या आता जाऊन पोहोचली 46 वरती. बात आहे, तीन षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धाबा त्या तब्बल 46 धाबा या षटकामध्ये तब्बल धाबा आल्या त्या 19 धाबा. आता मात्र अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी आहे, या षटकामध्ये किती धाबा येतील हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. जबरदस्त, कारण टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग आम्ही का चॉईस केली याचं उदाहरण ते दाखवतात. जास्तीत जास्त धावा उभ्या करून मात्र समोरच्या संघाला टार्गेट दिला जाईल, त्या अनुषंगाने मात्र फलंदाजी करणं गरजेचं आहे. एक धाव आली आहे एका धाबेने, मात्र धाव संख्या आता जाऊन पोचली ती 47 वरती. 47 रन्स,
47 धाव. सुनील टकले आलाय शेवटचा षटक घेऊन. फलंदाज रोहित पाटील. चला थोडा स्पीडअप करा. सत्तेचाळीस धावा धावपळकावरती. 5 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. फिरून खेळलाय चेंडू मात्र इथे मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आलाय चौकार. कोणताही क्षेत्ररक्षक नाहीये. इथून मात्र मिड विकेट वरून क्षेत्ररक्षक जातोय. तोपर्यंत चेंडू कवसनी घालतोय बाउंड्री लाईनला आणि इथे चौकार आलाय. चौकाराने मात्र आता धावा झाल्यात त्या 51 धावा धावपळकावरती. या वेळेमध्ये जर या धावांचा विचार केला तर जबरदस्त धावा नक्कीच मी म्हणेन. 51 धावा अजूनही. 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. एखाद मोठा फटका आला तर मात्र ही धावसंख्या अजूनही वधारेला शंका नाहीये. हो क्या बात है. फ्लॅट 6 जबरदस्त टायमिंग बेमिसाल. रोहित मात्र इथं बरसतोय. रोहितच्या बॅट मधून आलाय हा षटकार. सहा चेंडू मध्ये 28 धावांची खेळी साकारतोय तो रोहित. बघा इथे 57 धावा धावपळकावरती आपण पाहतोय आणि रोहित मध्ये देखील दमकम आहे. आणि जे बघणारे प्रेक्षक असतील त्यांना जर हा आलेख दिसत असेल तर त्यांना असंच वाटत असेल की बारक्या मात्र इथे बरसतोय. परंतु दुसऱ्या बाजूला बारक्याच्या खात्यामध्ये देखील 11 धावा आहेत. परंतु दुसऱ्या बाजूला रोहित पूर्णपणे बरसलाय ज्याने आतापर्यंत 6 चेंडू खेळत असताना तब्बल 28 धावांची 7 चेंडू खेळत असताना 29 धावांची इनिंग त्याने आतापर्यंत साकारले. कधी कधी हे चित्र असं उलट होत असतात कारण हे दमकम दाखवतात खेळाडू. आता मात्र बारक आहे स्ट्राईक एंडला. धावपळकावरती धावा आहेत त्या 58. पुन्हा एकदा इथे मात्र यस इट्स 4 रन्स. 4 धावा बारक्याच्या खात्यामध्ये. 4 धाब्याने मात्र धावसंख्या जाऊन पोचली आहे ती तब्बल 62 वरती. 62. आणि या षटकातील हा शेवटचा एक चेंडू बाकी आहे. आता बघूया टार्गेट सेट करण्याचा हा चेंडू आहे. किती धावा येतील. जबरदस्त फलंदाजी राहिली आहे. अच्छा या शेवटच्या मॅच मध्ये शॉर्ट ऑफ लेन आणि बारक्याच्या बॅट मधून आलाय हा षटकार. दमदार स्ट्रोक आणि शेवट देखील गोर केलाय. इथे मात्र आता 4 षटकांचा सामना संपलाय. धावपळकावरती धावा आहेत त्या तब्बल 68 धावा. 69 धावांचं लक्ष आहे. एक मोठा टार्गेट मात्र इथे दिला जातोय तो पाली संघाच्या माध्यमातून. तर ऐकूया आता पुढचा आवाज आजच्या रात्रीमध्ये. धन्यवाद. आम्ही इथे थांबतोय. उद्या नक्कीच यायला विसरू नका. परंतु उद्या जरा लवकर सामने आपण चालू करणार आहोत. जे टीम असतील त्या टीमला विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर त्या टीमला कॉल करा. यस थँक्यू. तर थँक्स संदीप पाटील सर. रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष. तत्पूर्वी स्पर्धेमध्ये लागोपाठ ज्यांनी खऱ्या अर्थाने 2 दिवस अतिशय चांगल्या प्रकारे दमदार योगदान दिलं. आमचे समालोचक मित्र आणि बायकरमॅन समालोचक म्हणून परिचित असणारे आदरणीय प्रवीण टेंबे वलप यांचा यथोचित गौरव. अमरदादा उलवेकर यांच्या शुभहस्ते प्रवीणचा सन्मानही केला जाईल. प्रवीण दीपक पाटील जर कंपनीचे खऱ्या अर्थाने कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत. असिस्टंट मॅनेजर आहेत खऱ्या अर्थाने. आणि त्यांचा यथोचित गौरव स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या ऑर्गनायझर अमरदादा बुलवेकर यांच्या शुभहस्ते वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन अमरदादा बुलवेकर यांच्या शुभहस्ते प्रवीणचा यथोचित गौरव या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे केला जात आहे.
तो चलिए आखिरी मुकाबला स्क्रीन पर हमारे राहुल उलवेकर, उनके साथ अमर दादा उलवेकर चर्चा करते हुए। राहुल उलवेकर स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं, टूर्नामेंट के आयोजक, इनका ये शाबियाना है अमर दादा के साथ, ये बेहतरीन दो बढ़िया आयोजक। देखिए रात के 3 बजने को आ चुके हैं और ये सभी आयोजक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ये बच्चा कंपनी के साथ, यंग टैलेंट भी इस आयोजन के साथ जुड़ा है और ये कार्यकर्ता है सभी। नवनाथ उलवेकर को देखिए, उनके साथ हमारे मयूर दादा उलवेकर, कोहली लुक में देखने नजर आ रहे हैं, उनकी टोपी ज़बरदस्त है। मयूर दादा उलवेकर बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से, खिड़कपड़ा कहीं पर भी जाते हैं मयूर दादा हमेशा होते हैं, सपोर्टिंग टीम है हमारे, कार्यकर्ता है, और उनका ये खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। तो चलिए मुकाबले की तरफ चलते हैं, जीत के लिए रनों की जरूरत होगी यहाँ पे, 69 रन 4 ओवर में। और यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्याला त्रिवार मानाचा मुजरा करून या स्पर्धेची सुरुवात करण्यात आली। तलवार सर्वांच्या हातात होती, ताकद सर्वांच्या मनगडात होती, परंतु स्वराज्य स्थापनेची इच्छा फक्त मराठी रक्तात होती। मॅच ऑन, 126 चौके, 126 छक्के, 128 चौके लगे अभी तक। पहली बॉल, ओ क्या शुरुआत है भाई, ईट का जवाब पत्थर से, करण मडवी के बल्ले से यहाँ पे पारी की शुरुआत, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे 4 रन। कमाल की शुरुआत की है, 69 का टारगेट, यानी करो या मरो का मैच है। करण मडवी अगर वन मैन शो खेले तो पाली टीम के लिए बहुत मुश्किलात बनेगी। पहली बॉल पे 4, कल्पेश शल्के का स्वागत। मिस टाइमिंग है डीप स्क्वायर लेग पर, करण का रनअप लंबा है, तेज है, फॉम्बल हुए खिलाड़ी, वापिस स्ट्राइक अपने खाते में रखी। 4 ओवर के मुकाबले में करण मडवी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वह तगड़े बल्लेबाज है और साथ देने के लिए सलामी जोड़ी है अंकुश टकले। 6-0, 2 गेंद, 4 ओवर का मैच, 69 का लक्ष्य, मैच बड़ा होगा आज। ओ क्या स्ट्रोक है, जमीन पर गिरे, आसमान में तारे तोड़े, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर सीमा पार, 1 बाउंड 4 रन। डीजे नितिन थोड़े शांत है, लेकिन एक्शन रिप्ले को देखिए, कमाल का स्ट्रोक, ये गिर पड़े, घुटना टेक और छक्का देख, शॉट ऑफ द नाइट, खूबसूरत, 4 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी करण मडवी की, बहुत बखूबी अपने किरदार को निभाते हैं। किरदार सबसे बड़ा चीज होता है सुधीर अग्रवाल, कई बल्लेबाज टाइम पे मैच फिनिश करते हैं ना, वो किरदार होता है उनका, और तरीका तरकीब सब कुछ अच्छे करण मडवी की। 4-2-4, 3 बॉल 10, इस बार गैप में शॉट, पावर प्ले में हर कोने पे मार रहे, चारों तरफ तूफानी पारी, 4 रनों के लिए। जोया 11 बापदेव पाली को ये अच्छा प्रतिस्पर्धी मिला है, करण मडवी अनस्टॉपेबल। ये 4 देखिए, फुल ओवर पुलटस बॉल सामने खेला, तीसरा चौका। रणदीप भोईर यांना आमचे मयूर उलवेकर कॉन्टॅक्ट करत आहेत, रणदीप भोईर या पण। 3 चौके, 14, 4 बॉल, 3-4, 4-2-4-4, कल्पेश शेलके, और उसे समझाने के लिए 4 खिलाड़ी गए, जैसे 3 चौके लगे, कल्पेश आप क्या कर रहे हो। बापदेव पाली की जो एकता है ना, वो दिख रही है यहाँ पर, टीम स्पिरिट। रोहित बारकिया इन खिलाड़ियों को देखिए, कल्पेश के पास गए, मेन बॉलर को जब मार लगते हैं सुधीर अग्रवाल, तो पीछे वाले गेंदबाज भी कमजोर बन जाते हैं, ये कड़ी होती है मेन बॉलर। 131 चौके, बिल्कुल जिस तरीके से आप शर्ट पहनते हो, अगर पहला बटन गलत लग जाए तो पूरा बटन का जो लॉट से गलत लग जाता है। ओ ये गेंद देखिए, ये वो कान मंत्र था पिछले 4 खिलाड़ियों का, बल्ले के जड़ में डालिए गेंद, बहुत बढ़िया। आखिरी बॉल अंपायर, 14 रन, जीतने के लिए 69 का लक्ष्य था, दिल्ली दूर है, लंबा सफर है, आखिरी बॉल पे अंकुश टकले को मौका मिलेगा या करण बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे। चलिए भाई बड़ा स्ट्रोक हवा में, ओहो मानो जीत गई मैच, ये सेलिब्रेशन देखिए, ये गले लगाएगी आप खिलाड़ियों को, ये जश्न मनाएगी जोया इलेवन बापदेव पाली, करण मडवी की पारी समाप्त।
गुरुनाथ शेलके, विश्वनाथ शेलके भाई आपका डांस कमाल का था। चलिए बहुत लोगों ने देखा आपको, और ये पार्टी रखे देखिए, बैकबोन इसे कहते हैं। ये दर्शक होने चाहिए, पाली के दर्शक आए यहाँ पर। 14 पे पहला विकेट देखिए, बाहर के शेलके की स्माइल बता रहे हैं, मानो वो सुपर सिक्स की ट्रॉफी उठा गए जिस तरीके से विकेट आई है उनके खाते में। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच है आज, दो टीमें सुपर सिक्स में जाएगी सुधीर अगला भी। मतलब आज तो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया, पहली नेवाली टीम गई, अब पाली और गाउटान से एक जाएगी। क्या बात है, आठवा मैच चल रहा है राहुल उलवेकर, सात और एक आठवा मुकाबला। कल जल्दी मैच शुरू करिए 7 बजे, क्योंकि 8 बजे मुकाबले, मतलब एक घंटा पीछे जा रहे हैं आप लोग। खिड़क पड़ा अगर खेलेगी तो ठीक है। 3 ओवर 55 चाहिए बॉलिंग के लिए। नए गेंदबाज है परेश शेल के, करण मडवी आउट होने के बाद वापसी की उम्मीद है। चकते हुए पाली ने जश्न मनाया, और ये मुश्किल बनती हुई गाउटान के लिए। क्या मुकाबला बनाए अंकुश टकले, क्या करेंगे फिनिश आकाश टकले के साथ। टकले बंधु पहली बॉल, चली खिलाड़ी, लगता है बहुत टाइम पास हो रहा है। 3 बज गए भाई, परेश शेल के थोड़ी जल्दबाजी करिए। क्या बात है, 3 ओवर 55 सुपर सिक्स। ये ट्रॉफी देखिए, रोशन उलवेकर ने ये सभी ट्रॉफी हमें पुरस्कृत की है, गोल्डन ट्रॉफी एक टीम के पास जाएगी है। चलिए बात बन रही है, 2 बॉल डेड बॉल की उन्होंने, लेकिन अब बॉल डिलीवर की, डॉट निकली है परेश शेलके की गेंदबाजी से, कमबैक होता हुआ। रोहित पाटिल की जो ओवर थी ना उसाटने के लिए, वो टर्निंग पॉइंट रहा, तभी से टीम जिद्दी बन गई। देखिए अभी तक मुकाबला नहीं छोड़ रही है, उसाटने को हराने के बाद ये कॉन्फिडेंस उनका बहुत आगे बढ़ गया, लगातार डॉट गेंदे डाल रही है। और क्या बल्लेबाजी की दोनों ने भी, जबरदस्त। अंकुश टकले मिड ऑफ पॉइंट पे गई है, फील्डर नहीं है, सेफ होगा यहाँ पर। और ये मैच है अब सिंगल डबल का नहीं रहा। आकाश टकले स्ट्राइक पर आते हुए, नावडे टीम लगभग जीतने वाली थी, वरद खानावकर ने कितने डॉट गेंदे फेंकी थी। आकाश टकले ने जो लोअर फुलटॉस बॉल उठाई नीचे से ऊपर, वो छक्का लगा महेश मात्रे के ऊपर से, उसके बाद वो रूम बना के छक्का पाया, वो फिनिश हो गया मुकाबला। ये तो नावडे भी मजबूत दावेदार थी इस प्रतियोगिता में। 16 पे 54 चाहिए, कई ताकतवर टीमें हार गई, लेकिन अब देखिए गाउटान पाली सुपर सिक्स। चलिए भाई चपरा के क्रॉस बैटेड शॉट और लपक लिया कल्पेश, कोई गलती नहीं। करण मड भी कैच आउट, आकाश टकले भी कैच आउट, और ये सपना टूटता हुआ, दिल टूटता हुआ आकाश टकले टीम गाउटान का। सुनील टकले अब आएंगे, पहले मैच के हीरो गेंदबाजी में उन्हें अवार्ड मिला था मैन ऑफ द मैच। 15 पे चाहिए 54, सबसे बढ़िया रन बनाने वाले जो बल्लेबाज थे ना पाली के, अगर बात करें तो वो विशाल शेलके, बारक्या शेलके थे, और रोहित पाटिल। रोहित पाटिल ने क्या धमाका किया, 3 बल्लेबाजों ने 50 के ऊपर रन मारे, और तीनों बैटर के कारण ये टारगेट 70 के नज़दीक पहुँच गया। गेंदबाजों को मार लगी है गाउटान के आज भरपूर। चलिए 15 बॉल 54 रन वीरा स्पोर्ट्स, खिडुक पाड़ा का बढ़िया योगदान है, और वीरा स्पोर्ट्स की तारीफ करेंगे। इस साल अत्युत्तम फॉर्म में राहुल उलवेकर ने इस टीम को बनाया, भावेश उलवेकर के साथ हमारे नितेश भोईर भी जुड़े। देखिए वालदेश्वर मैदान, वीरा स्पोर्ट के सभी खिलाड़ी देखिए आखिरी गेंद तक रहते हैं स्टेज पर। आयोजक है ना, पहली बार टूर्नामेंट रखने के बाद वो कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके अंदर, और उनकी टूर्नामेंट है भाई। आयोजक बनने के बाद वो जवाबदारी होती है, कई नाइट टूर्नामेंट खेले विराट स्पोर्ट्स ने, लेकिन अब वो जिम्मेदारी कंधों पे ली, और एक एक्साइटमेंट होती है। और जब 18 फरवरी आएगा आखिरी रात सुधीर अगलावे, तो आयोजक मायूस हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहेंगे और 2 दिन बढ़ाए। ऐसा होता है, शुरुआत में दिक्कत ही आती है, लेकिन जब वो फिनिश होने आता है ना, मज़ा आता है कि हमने वो माइलस्टोन अचीवमेंट किया, वो सपना देखा था नाइट मैच का। और हर जगह पे जब चर्चा होगी खिडकपटा नाइट मैचेस की, तो इनकी जो छाती है गर्व से फूल जाएगी कि हमने वो करके दिखाया, मतलब वो सपना पूरा हो गया खिडकपटा का। अनएक्सपेक्टेबल, लेकिन बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ।
कई मुश्किल आई खिड़कपाड़ा के लिए वालदेश्वर मैदान पर। देखिए जो आप नई मिट्टी देख रहे हो यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पर गड्ढे होंगे या फिर पत्थर, तो ये नई मिट्टी बता रहे कि वहाँ पे लोडिंग की है अलग तरीके की मिट्टी और गड्ढा भर दिया है। तो ये आपने हमेशा देखा है मैदान पर, जब भी नई मिट्टी देखती है तो उसका वो आंसर होता है कि वहाँ पे मरम्मत की होती है। तो आउटफील्ड बहुत बढ़िया बनाई, थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा खर्चा भी हुआ, लेकिन वीरा स्पोर्ट्स का और ग्रामस्थ मंडल खिड़कपाड़ा का एक अच्छा योगदान रहा है। आखिरी बॉल अंपायर, बल्ले का किनारा लगा है, टप्पा गेंद गई है और चलिए मुकाबले में कॉन्फिडेंस डाउन है। अब गेंदे बचे 12 रन चाहिए 53। एक्शन रिप्ले में कैच को देखिए, क्या फील्डिंग की है पाली टीम ने। जिद्दी टीम है भाई, हार तो नहीं मानेगी। 12 बॉल पे 53। और ये देखिए खिलाड़ी चर्चा करते हुए रोहित पाटिल के चेहरे पर मुस्कान है। यही रोहित पाटिल जिसने उसाटने को पराभूत करने के लिए 9 गेंदे रन डिफेंस किए। अगर वो गेंदबाज रोहित नहीं लेते तो उनके लिए अब यहाँ पे टिकना मुश्किल होता। और जोया 11 इनके खास पैकर है। 12 पे 53 चाहिए, अभी तक गाउटन हारी नहीं है भाई। रणदीप भोईर यांचं शुभागमन झाले, यावं आपलं स्वागत। मयूर उलवेकर के साथ मैच कारण लेते हुए, और देखिए मैन ऑफ द सीरीज की बाइक हमने हमारे सामने मौजूद है। मैन ऑफ द सीरीज के रन शायद मुझे लग रहा है कि सुपर 12 तक काउंट हो सकते हैं या सुपर 8 तक, सुपर 6 तक, और एक मैच, चलिए मतलब क्वार्टर फाइनल तक रन काउंट होंगे। ये देखिए रणदीप भोईर, मयूर उलवेकर, उनके साथ हमारे दिनेश दादा, नवनाथ, देखिए ये बैच उनके चेस पे लगाए शर्ट पर, और वो आयोजक की पहचान है। गावदे मित्र मंडल खिड़कपाड़ा रजिस्टर है यहाँ पे, वो मतलब मान्यता है उसे। 2017 में हुआ था रजिस्टर, 390 या कुछ नंबर है शायद। चलिए भाई 12 पे 53, सिंगल डबल का मैच नहीं है गाउटान, ये मुकाबला हाथों से निकल रहा है आपके। करण मडवी का विकेट क्या गिरा, पूरे मैच पूरी जो टीला ताला मिट्टी का ढह गया सुधीर अगलावे। 11 पे 52 चाहिए, कासाडी नदी, लेकिन आज 2 दिन ठंडी कम है यहाँ पे। आप देखिए पहले दिन बहुत ठंडी थी, आज और पिछले कल दिन बहुत कम ठंडी है कासाडी नदी होने के बावजूद MIDC। तो चलिए 11 पे 52 आखिरी 11 गेंदे, और आज की रात यहाँ पर समाप्त होगी, हमारा भी सफर समाप्त होगा। और कल नए कमेंटेटर जुड़ेंगे यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 11 गेंदे 51 रन, और काफ़ी बढ़िया मेहनत हमारे वीरा स्पोर्ट्स खिड़कपाड़ा की। वीरा आई थी कल इस मैदान पर, राहुल शेट्टी उलवेकर इनकी सुकन्या, और खास करके उनके जो ग्रैंड फादर है उनकी ओर से मैन ऑफ द सीरीज की बाइक पुंडलिक शेट्टी उलवेकर। पुंडलिक शेट्टी उलवेकर जब डे मुकाबले होते थे तो 80,000 रुपये का इनाम देते थे वो पहला नंबर, और आज देखिए उन्होंने फिर से 70-80 हज़ार की बाइक दी है, मतलब उनका योगदान बहुत काफ़ी बड़ा होता है। और यहाँ से 1,20,000 प्रभाकर शेट्टी, हरी उलवेकर, नीलेश वामन भोईर ने 60,000 का कैश प्राइस, अमर उलवेकर साहब ने 30,000, शरद उलवेकर, मनोज उलवेकर ने 30,000, दिनेश उलवेकर, चंद्रकांत उलवेकर 30,000, एवन जोड़ी और कैलाश उलवेकर साहब ने 30,000 का इनाम दिया है। चलिए अंपायर वापस अगर मुड़ते तो मुश्किल बनेगा। 2 व्हाइट बॉल थी, 10 गेंद पे चाहिए 50। राहुल उलवेकर लगभग 10 गेंद बची है, और यहाँ से शायद परसों पंजाब की तरफ आप रवाना मुझे लग रहा होगी WTC लाइव लुधियाना प्रीमियर लीग। जी बिल्कुल, पंजाब के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओहो चलिए भाई 9 पे 50 चाहिए, आप तो नहीं शायद जितना आसान बनेगा मुश्किल रहेगा। गाउटन टीम, करण मडवी, आकाश टकले मैदान छोड़ के चले गए, विकेट जल्दी आए, और बाबदेव पाली, जोया 11, देखिए जीत के नज़दीक। सुपर 6 में 2 टीमें आज क्वालिफायर हुई, 8वां मुकाबला हम कॉमेंट्री कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सफर रहा आज, 3:09। चलिए अब तो मुकाबला छोड़ दिया गाउटन ने, क्योंकि उनके हाथों से वक्त निकल चुका है। नो एक्साइटमेंट, 8 बॉल पे चाहिए 49 रन, और बिल्कुल इस मुकाबले में सबसे बढ़िया बैटिंग थी रोहित पाटिल की। बारकर शेल के, विशाल शेल के, तीनों ने 50 के ऊपर रन मारे। खिड़कपाड़ा टीम मारुति उलवेकर को शायद 18 जाने फ़रवरी को अभी करे रिटायरमेंट।
मारुती उलवेकर के पीछे क्यों पड़े पता नहीं ये लोग, शायद नया कोई खिलाड़ी मिलेगा उनको, लॉन्च करना चाहते नए खिलाड़ी, लेकिन ऐसा नहीं। मारुती उलवेकर देखिए 500 रुपये जीते थे वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से, जिसने 15 खिलाड़ी बनाया उसको रिटायर क्यों करना चाहती खिडुक पड़ा। चलिए देखिए, जब भी किसके पास सत्ता आती है कुर्सी मिलती है वो कभी छोड़ता नहीं है, आपको कुर्सी तोड़नी पड़ेगी शायद। चलिए आखिरी बॉल अंपायर और आखिरी गेंदबाज लॉन्च करना है, टीम मीटिंग नहीं लेना पाली टीम, आपको समाप्त करिए जल्दी। चलिए बाबूशा की कॉपी भी यहाँ पे आ चुके हैं। छह बॉल पे चाहिए 45 और चलिए आज का दिन आज की रात यहाँ पर खत्म होगी। तीसरी रात जहाँ पे नेवाले टीम गई सुपर सिक्स में और बापदेव पाली सुपर सिक्स के नजदीक। 6:45 आखिरी ओवर बारक्या शेल के, किसको इनाम लगाना है साहिल? माँ गुरु देखिए, माँ गुरु शायद आपके पॉकेट से कुछ कटेंगे पैसे, ये अलाउड नहीं है, महागुरु सो चुके यहाँ पर। नहीं ले कैमरामैन मत फोकस करिए, फोकस करेंगे तो बवाल हो जाएगा। देखिए कितनी मेहनत करते हो, कैसे सो रहे महागुरु, कमाल है। गणपति विसर्जन होने के बाद वो जागरण हुआ और सो रहे महागुरु। मुकाबले में कुछ नहीं बचा, वन साइड है, कैमरा नहीं मार सकते महागुरु पर। चलिए नए बल्लेबाज भेजिए और काफ़ी आराम फरमा रहे, शायद कल से टेम्बोडा जाएंगे खिडुकपाड़ा, अभी वो सोच रहे होंगे खिडुकपाड़ा के आयोजक तो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, दो दिन तो नहीं आए थे, अरे गए टेम्बोडा तो वापस नहीं मिलेंगे इधर लग रहा है। और देखिए चलिए गेंदे बचिए चार, आकाश टकले धन्यवाद आने के लिए, काफ़ी बढ़िया खेल किया आपने, करण मड़वी के साथ पूरी टीम धन्यवाद पार्टिसिपेट किया आपने, लेकिन भाई क्रिकेट है किसी एक को हारना ही पड़ता है। दयानंद मड़वी चले बल्लेबाजी के लिए, चार बॉल करिए, ये ट्रॉफी देखिए खूबसूरत गोल्डन ट्रॉफी, जिसपे पाली टीम एक उठाएगी, नेवाली टीम एक उठाएगी और सुपर फोर की चार जगह बचेगी आज, बहुत बढ़िया। चलिए ओहो ये देखिए विकेट विशाल, तो चलिए महागुरु को सोने दे, कल यहां पर आना है, दोपहर को उठकर वापस तैयार हो जाएंगे, कासर नदी सामने नहाएंगे, वहां पर एंजॉय करेंगे, महागुरु को रहने तो यहाँ पर ही। तीन बॉल 45 रन चाहिए और मुकाबला वन साइड है। चलिए पाली टीम जोया 11 और इनके पैकर काफी खुश होंगे क्योंकि एक ट्रॉफी आप पाली की सरजमी पर जाएगी, और क्या मुकाबला खेला है भाई, रोहित पाटिल की तगड़ी बल्लेबाजी, दो गेंद बची है और जबरदस्त बोला गणपति बाप्पा, जय श्री राम। उठ लेगा? चले नहीं, चलिए आकाश टकले, सुनील दादा आपका स्वागत किया जाएगा आयोजक की फरमाइश है, आइए मैच के बाद। गेंदबाज एक बॉल बचे शायद, चलिए आखिरी बॉल, तो 45 रन 44 रनों के लीड से बारकेशल के आखिरी गेंद करेंगे और इस मैच का हीरो होगा मैन ऑफ द मैच रोहित पाटिल। चलिए अंपायर का भी सम्मान किया जाएगा जिनके आज आखिरी टर्न है, आइए अंपायर, और ये मुकाबला जीता है पाली टीम, अभिनंदन, गो टू सुपर सिक्स रोहित, और आपको भी एक ट्रॉफी मिलेगी 18 फरवरी को, वापस आइए। और ये देखिए 44 रनों का लीड रख के गाउटन को हराने वाली टीम पाली और मैन ऑफ द मैच है रोहित पाटिल। आकाश टकले या तुमसे स्वागत।